ऊपर खाली करी थी ऊपर समान समान समून कटी हो गया का बोरी ता रखी थी वहां ने सारा इते लद्दे ते यहां छुड़ा दिया खिंज पानी दे मकान में भी आए नहीं है पर इस मकान में भी ना इस साल वाला टाइप है ना इस लद्दे छुड़ा दिया दो अच्छा ये तो मकान में लाना हमारा थोड़ी बजे जाग दी थी तभी बच्चे कड़ी लिया दबोच मरे कुछ सुते थे इसी कमरे च अच्छा सवेरे 6 बजे अच्छा और हाँ एक माँ कुछ नहीं है मेरा बच्चा घर है रहा है इसकी कोई नौकरी नाकरी नहीं है तो हाँ क्या करते कोई काम वगैरह नहीं करते मैं क्या करूँ सरकारी नौकरी नहीं ना है कुछ भी हाँ क्या मैं रहा है मैं क्या करना और कौन रहता सोगी मेरे दाल से कहीं तो बिट्टी है बस अच्छा जाने नहीं कर रहे जी तो उन क्या चाहते सरकार ते प्रशासन ते सरकार दिखी ना मौका भी जेड़ा बे हूं घर का गांव में और क्या बे रहनी हो कुछ नहीं करते मेरे घर आले बे जंग कटो दे तंदी दिहाड़ी कर दे है किने कटोई पहले दिहाड़ी कर दे है फिर उसके बाद जंग कटो ये नस्ता च भीड़ पाई फोन हो गई जंग फिर से के खराब हो गई थी कटोई जी हुन परिवार दा खर्चा किस तरह चलदा था मैं ग्राम पंचायत भुड्डा कैलाशपुर श्रीमती दया देवी बाजपुर नीर चंद जी के परिवार से संबंधित रखते हैं कल सुबह इनका मकान 6 बजे भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया ये बहुत ही दुख भरी बात है और मैं प्रशासन से भी मैंने फ़ोन कर दिया है यहाँ के पटवारी को भी और ब्लॉक को भी मैं सूचित कर रहा हूँ कि इन्हें जल्दी जल्दी से नया घर जो है इन्हें बनाया जाए ये दया देवी का मकान जो है ये बेचारे बहुत गरीब हैं और हम प्रशासन से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी कोई फौरी राहत दी जाए ताकि ये इस मकान से बचत कर सकें और कहीं दूसरी जगह ठिकाना हो सके दूसरे मकान जो कमरा बचा है उसका भी बहुत खतरा है जी कभी भी ये दूसरा भी कमरा गिर सकता है तो हम प्रशासन से ही अनुरोध करेंगे कि उनको फौरी राहत जरूर दी जाए।